हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटेज एकेडमी। एनएलसी इंडिया लिमिटेड में बहुत बड़ी वैकेंसी आई है जो कि इंजीनियरिंग सभी ब्रांच के लिए है, एचआर के लिए भी बहुत सारा पोस्ट है और फाइनेंस के लिए भी है, मार्केटिंग के लिए भी है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं। और ये सब पोस्ट में कुछ एक्सपीरियंस मांगा गया है, जैसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल E4 ग्रेड की बात करें तो इसमें 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें टोटल 31 सीट्स है, ठीक है। तो जो भी E4 ग्रेड में है उसके 5 ईयर एक्सपीरियंस है, बाकी आपका फुल टाइम या पार्ट टाइम बैचलर डिग्री होगा तो भी चलेगा, मैकेनिकल या फिर प्रोडक्शन में या इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियर। उसी तरह अब डिप्टी मैनेजर E7 का जो पोस्ट है, 4 पोस्ट है टोटल, इसमें 19 साल का एक्सपीरियंस है। तो इसके बारे में बात ज़्यादा नहीं करेंगे, 19 साल का एक्सपीरियंस जिसके पास होगा वो शायद ही ये वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, उनको ऐसे ही पता चल जाता है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल के लिए E4 ग्रेड की बात करें तो यहाँ पे 63 पोस्ट है, यहाँ पे भी देखते हैं। इसमें 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, अगर आपका होगा एक्सपीरियंस तो अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस किस एरिया में होना चाहिए ये सभी दिया हुआ है, तो फॉर्म फिल करने के पहले एक बार आप लोग पढ़ लेंगे नोटिफिकेशन को। फिर डिप्टी मैनेजर का है, इसके बारे में भी बात नहीं करेंगे ज़्यादा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ये आप 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, ये भी आप देख सकते हैं, 33 सीट है इलेक्ट्रिकल का। फिर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का ये भी पोस्ट है 24। यहाँ पे फिर इलेक्ट्रिकल रिन्यूएबल एनर्जी में भी कुछ पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। अभी बात करेंगे फिर सिविल थर्मल में, सिविल माइंस का भी पोस्ट है यहाँ पे। तो जो इम्पोर्टेंट है एचआर का, आप उसके लिए बात करते हैं कि इसमें कितना पोस्ट है और क्या है। तो देखिए आप बाकी इसमें जो भी आप जहाँ पे एलिजिबल होंगे तो एक बार देख लेंगे, मेरा काम है थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म कर देना कि बस नोटिफिकेशन आया है, बट एक्सपीरियंस पे है, एक्सपीरियंस काफ़ी कम स्टूडेंट के होते हैं। तो बाकी देख लीजिए, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के भी पोस्ट है यहाँ पे, थर्मल के भी है, साइंटिफिक E2 ग्रेड का भी है, जिसमें भी इसमें भी 4 ईयर का एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है। ओके, देखिए ये सारे पोस्ट आप देख सकते हैं। जियोलॉजिकल माइंस, माइनिंग, ये सभी पोस्ट है। कमर्शियल फिनांस का भी पोस्ट है, यहाँ फाइनेंस का भी आप पोस्ट देख सकते हैं, 13 ईयर और 19 ईयर का एक्सपीरियंस है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बेसिस पे ही फॉर्म आया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग अभी बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स एचआर के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, चूँकि डिप्टी मैनेजर एचआर E3 ग्रेड है, इसमें टोटल 6 पोस्ट है, ठीक है। डिग्री एंड डिसिप्लिन जो है वो क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर वेलफेयर, एचआर, जो पोस्ट हर इसमें रहता है वही सारे चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। तो E3 ग्रेड में बहुत से स्टूडेंट शायद एलिजिबल होंगे, क्योंकि इसमें E3 ग्रेड में डिप्टी मैनेजर में देखिए यहाँ पे राइट साइड में 1 ईयर का ही एक्सपीरियंस चाहिए होगा, ओके। और यहाँ पे मैनेजर एचआर की बात करें E4 ग्रेड का, टोटल 6 सीट है, रिजर्वेशन वाइज भी नीचे सीट दिया गया है, इसमें 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो ये तो पोस्ट आप लोगों के लिए शायद सूटेबल हो, और ज़्यादा E3 ग्रेड में तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं आप लोग एलिजिबल होंगे, तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इस पर कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है। डिप्टी मैनेजर एचआर इसमें 19 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जो होंगे वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ, और कुछ चीज़ें जो है आप फॉर्म फिल करने के पहले ज़रूर पढ़ लेना अच्छा रहेगा। एज लिमिट की बात करते हैं, एज लिमिट जो है आपको E4 ग्रेड से आपको स्टार्ट करता हूँ। E4 ग्रेड 36 ईयर का एज लिमिट अनरिजर्व का चाहिए, और OBC ST जो यहाँ मेंशन है आप देख सकते हैं, रिजर्वेशन जो 5 ईयर 3 ईयर 3 ईयर का रिलेक्शन सर मिलता है, SC ST OBC का वो यहाँ पे भी है। E3 ग्रेड का 32 है और E2 का 30 ईयर एज एक्सपीरियंस है अनरिजर्व और PWS के लिए। बाकी OBC SC ST का आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सैलरी की बात करें तो यहीं से बात करें स्टार्ट करेंगे कि E4 ग्रेड का 70,000 से 2 लाख तक बेसिक पेमेंट है, ये CTC पर NM है आपको। E3 ग्रेड का ये पर NM CTC है, ये बेसिक पे है, और E2 ग्रेड का ये बेसिक पे है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सैलरी को कोई चिंता नहीं है, बहुत अच्छी सैलरी है, और नवरत्न कंपनी है NLC, बहुत अच्छा, आपके पास एक्सपीरियंस है तो ज़रूर अप्लाई करिए। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी जो है अनरिजर्व EWS OBC के लिए और NCL कैंडिडेट के लिए 500 रुपये है, प्लस 300 प्रोसेसिंग फ़ी है, तो इतना हो गया। SC ST OBC के लिए एक सर्विस मैन के लिए फ़ी नहीं भरना है, बट सर्विस फ़ी भी आपको पे करना है, तो इतना सर्विस फ़ी जो है वो पे करना है, ठीक है। एक सर्विस फ़ी पे करने का एक अलग से
क्राइटेरिया आ गया है इस साल से, देखने को मिल रहा, पहले ये भी नहीं लगता था, और बहुत सारे जगह आज भी ये सब नहीं लग रहा। बाकी आपको फॉर्म फिल करते टाइम क्या क्या चीज़ पे डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है ये दिया हुआ है, तो आप नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। बाकी मैं इम्पोर्टेंट डेट बता देता हूँ आपको कि 5 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, और जो क्लोजिंग डेट है वो 3 अगस्त है, इसके पहले आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर एंड पे फी विद इन टाइम लिमिट डेट तो वो 4 अगस्त तक है, तो आप मान कर रखिए 3 अगस्त से पहले जो है वो पेमेंट कर लेना है आपको, ठीक है। और सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन मेथड है वो इंटरव्यू बेसिस पे है, यहाँ पे दिया हुआ है थोड़ा सा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेथड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में 50% मार्क्स ऑन रिजर्व EWS को लेना पड़ेगा, 40% मार्क्स जो है SC ST OBC के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट जो भी है मैं बता दिया हूँ, आप एलिजिबल हैं, एक्सपीरियंस है, तो एक बार आप ये फॉर्म जो है, आप पूरा एप्लीकेशन जो है वो पढ़ लीजिए और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नोटिफिकेशन को एक बार जरूर रीड कीजिएगा। आपको टूटेज अकेडमी ऐप पे भी एप्लीकेशन मिल जाएगा, हमारा टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ पे भी मिल जाएगा, या NLC इंडिया जो है इसके वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और ESC HR या UGC NET कोड 55 लेबर वेल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे टूटेज अकेडमी ऐप पे आकर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मॉक टेस्ट ज्वाइन करके अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, या किसी भी PSU HR का प्रिपरेशन कर रहे हैं HR से तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टूटलेज अकेडमी ऐप पे। तो टूटलेज अकेडमी का ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।